अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया ने शान के दिल में बहुत ही जल्दी जगह बना ली है, यानी शान माया से मोहब्बत करने लग गया है और माया है भी इतनी अच्छी, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करने वाली है। शान की बेटी यानी जिमल की भी बहुत अच्छी तरबियत कर रही है। ये सब कुछ देख के ही शान के दिल में जगह बनी है माया के लिए, जिसके बाद शान और माया की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शान माया से यही कहता है कि अब सोच रहा हूँ कि शादी कर ही ली है, अब इसे निभाना भी चाहिए मुझे अच्छे तरीके से। शान की ये बात सुन के माया बहुत ज़्यादा खुश होती है और शान से यही कहती है कि आप तो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं शादी को और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए हैं। यानी शान और माया का इतना प्यार देख के शान की जो सौतेली वालदा है उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बड़ी टेंशन में आ गई हैं। और अब जबकि दूसरी तरफ तबरेज़ की सारी असलियत यानी सज्जी की सारी असल खुल के वाजह हो चुकी है, जिसके बाद सज्जी यही कहेगा माया से कि तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेलिंग करोगी और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब करूँगा। लेकिन अब माया बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है तबरेज़ की बातों से, जिसके बाद माया यही कहेगी तबरेज़ से कि तुमने जो करना है कर लो, मेरे जैसे क्या कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत के काबिल कोई भी मोहब्बत नहीं करेगी, तुमसे कोई भी मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकती। यानी अब मलाइका को जैसे पता चला है तुबा को सब कुछ बारे में, यानी शान की सौतेली बहन को, जिसके बाद शान की सौतेली बहन यही कहेगी सज्जी से कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी यही सोच रहे हैं कि शायद अब तबरेज़ की और उसकी बहन की, जो शान की बहन की, उनकी तलाक हो जाए। लेकिन जिसके बाद तबरेज़ जो है वो एक नई चाल चलेगा और शान की सौतेली वालदा के साथ एक प्लानिंग करेगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो कुछ बैंक बैलेंस दौलत है आप मुझे बताएं, आप अपना हिस्सा लें, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, इस तरह हम शान से अपना हिस्सा निकलवा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद माया जब अपने वहाँ पर ऑफिस में होगी तो वहीं पर पीछे शान की सौतेली वालदा आएगी और माया से कुछ डिस्कस करेगी बात और यही कहेगी कि माया ऐसा करते हैं कि तुम अपना हिस्सा लो, हम अपना हिस्सा लेंगे। ये बात सुन के माया एकदम हैरान हो जाएगी, कोई माँ अपने बेटे से सब कुछ ऐसे कैसे कर सकती, जिसके बाद माया साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई कभी भी नहीं कर सकती और जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है, ऐसे मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसके बाद शान की सौतेली वालदा बड़ी टेंशन में आ जाएंगी, जिसके बाद शान की सौतेली वालदा कहेंगी कि मैं अपनी बेटी की तलाक कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि तलाक जो है वो माशरे में एक बदनुमा दाग है जो मैं अपनी बेटी के माथे पे कभी भी नहीं लगने दूंगी। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमत रेखा इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया ने शान के दिल में बहुत ही जल्दी जगह बना ली है, यानी शान माया से मोहब्बत करने लग गया है और माया है भी इतनी अच्छी, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करने वाली है। शान की बेटी यानी जिमल की भी बहुत अच्छी तरबियत कर रही है। ये सब कुछ देख के ही शान के दिल में जगह बनी है माया के लिए, जिसके बाद शान और माया की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शान माया से यही कहता है कि अब सोच रहा हूँ कि शादी कर ही ली है, अब इसे निभाना भी चाहिए मुझे अच्छे तरीके से। शान की ये बात सुन के माया बहुत ज़्यादा खुश होती है और शान से यही कहती है कि आप तो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं शादी को और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए हैं। यानी शान और माया का इतना प्यार देख के शान की जो सौतेली वालदा है उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बड़ी टेंशन में आ गई हैं।
और अब जबकि दूसरी तरफ तबरेज की सारी असलियत इन्हीं सज्जी की सारी असल खुल के वाजह हो चुकी है, जिसके बाद सज्जी यही कहेगा माया से कि तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेलिंग करोगी और मेरी जिंदगी खराब कर दोगी, मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब करूंगा। लेकिन अब माया बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है तबरेज की बातों से, जिसके बाद माया यही कहेगी तबरेज से कि तुमने जो करना है कर लो, मेरे जैसे क्या कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत के काबिल कोई भी मोहब्बत नहीं करेगी, तुमसे कोई भी मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकती। यानी अब मलाइका को जैसे पता चला है तूबा को सब कुछ बारे में, यानी शान की सुतेली बहन को, जिसके बाद शान की सुतेली बहन यही कहेगी सज्जी से कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी यही सोच रहे हैं कि शायद अब तबरेज की और उसकी बहन की, जो शान की बहन की, उनकी तलाक हो जाए। लेकिन जिसके बाद तबरेज जो है वो एक नई चाल चलेगा और शान की सुतेली वालदा के साथ एक प्लानिंग करेगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो कुछ बैंक बैलेंस दौलत है आप मुझे बताएं, आप अपना हिस्सा लें, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, इस तरह हम शान से अपना हिस्सा निकलवा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद माया जब अपने वहाँ पर ऑफिस में होगी तो वहीं पर शान की सुतेली वालदा आएगी और माया से कुछ डिस्कस करेगी बात और यही कहेगी कि माया ऐसा करते हैं कि तुम अपना हिस्सा लो, हम अपना हिस्सा लेंगे। ये बात सुन के माया एकदम हैरान हो जाएगी, कोई माँ अपने बेटे से सब कुछ ऐसे कैसे कर सकती, जिसके बाद माया साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई कभी भी नहीं कर सकती और जो उसका है वो मेरा है और जो मेरा है वो उसका है, ऐसे मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसके बाद शान की सुतेली वालदा भाई टेंशन में आ जाएंगी, जिसके बाद शान की सुतेली वालदा कहेंगी कि मैं अपनी बेटी की तलाक कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि तलाक जो है वो माशरे में एक बदनुमा दाग है जो मैं अपनी बेटी के माथे पे कभी भी नहीं लगने दूंगी। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमत रेखा इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया ने शान के दिल में बहुत ही जल्दी जगह बना ली है, यानी शान माया से मोहब्बत करने लग गया है और माया है भी इतनी अच्छी, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करने वाली है, शान की बेटी यानी जिमल की भी बहुत अच्छी तरबियत कर रही है, ये सब कुछ देख के ही शान के दिल में जगह बनी है माया के लिए, जिसके बाद शान और माया की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शान माया से यही कहता है कि अब सोच रहा हूँ कि शादी कर ही ली है, अब इसे निभाना भी चाहिए मुझे अच्छे तरीके से। शान की ये बात सुन के माया बहुत ज़्यादा खुश होती है और शान से यही कहती है कि आप तो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं शादी को और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए हैं। यानी शान और माया का इतना प्यार देख के शान की जो सतीली वालदा है उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बड़ी टेंशन में आ गई हैं। और अब जबकि दूसरी तरफ तबरेज की सारी असलियत इन्हीं सज्जी की सारी असल खुल के वाजिया हो चुकी है, जिसके बाद सज्जी यही कहेगा माया से कि तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेलिंग करोगी और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब करूंगा। लेकिन अब माया बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है तबरेज की बातों से, जिसके बाद माया यही कहेगी तबरेज से कि तुमने जो करना है कर लो, मेरे जैसे क्या कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत के काबिल कोई भी मोहब्बत नहीं करेगी, तुमसे कोई भी मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकती। यानी अब मलाइका को जैसे पता चला है तूबा को सब कुछ बारे में, यानी शान की सुतेली बहन को, जिसके बाद शान की सुतेली बहन यही कहेगी सज्जी से कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी यही सोच रहे हैं कि शायद अब तबरेज की और उसकी बहन की, जो शान की बहन की, उनकी तलाक हो जाए। लेकिन जिसके बाद तबरेज जो है वो एक नई चाल चलेगा और शान की सुतेली वालदा के साथ एक प्लानिंग करेगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो कुछ बैंक बैलेंस दौलत है आप मुझे बताएं, आप अपना हिस्सा लें, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, इस तरह हम शान से अपना हिस्सा निकलवा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद माया जब अपने वहाँ पर ऑफिस में होगी तो वहीं पर शान की सुतेली वालदा आएगी और माया से कुछ डिस्कस करेगी बात और यही कहेगी कि माया ऐसा करते हैं कि तुम अपना हिस्सा लो, हम अपना हिस्सा लेंगे। ये बात सुन के माया
एकदम हैरान हो जाएगी कि कोई माँ अपने बेटे से सब कुछ ऐसे कैसे कर सकती है, जिसके बाद माया साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई कभी भी नहीं कर सकती, और जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है, ऐसे मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसके बाद शान की सुतेली वालदा भाई टेंशन में आ जाएंगी, जिसके बाद शान की सुतेली वालदा कहेंगी कि मैं अपनी बेटी की तलाक कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि तलाक जो है वो माशरे में एक बदनुमा दाग है जो मैं अपनी बेटी के माथे पे कभी भी नहीं लगने दूंगी। ड्रामा से फ्रॉड नाज़िम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया ने शान के दिल में बहुत ही जल्दी जगह बना ली है, यानी शान माया से मोहब्बत करने लग गया है, और माया है भी इतनी अच्छी, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करने वाली है, शान की बेटी यानी जिमल की भी बहुत अच्छी तरबियत कर रही है, ये सब कुछ देख के ही शान के दिल में जगह बनी है माया के लिए, जिसके बाद शान और माया की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शान माया से यही कहता है कि अब सोच रहा हूँ कि शादी कर ही ली है, अब इसे निभाना भी चाहिए मुझे अच्छे तरीके से। शान की ये बात सुन के माया बहुत ज़्यादा खुश होती है और शान से यही कहती है कि आप तो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं शादी को, और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए हैं। यानी शान और माया का इतना प्यार देख के शान की जो सतीली वालदा है उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बड़ी टेंशन में आ गई हैं। और अब जबकि दूसरी तरफ तबरेज़ की सारी असलियत यानी सज्जी की सारी असल खुल के वाजिया हो चुकी है, जिसके बाद सज्जी यही कहेगा माया से कि तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेलिंग करोगी और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब करूँगा। लेकिन अब माया बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है तबरेज़ की बातों से, जिसके बाद माया यही कहेगी तबरेज़ से कि तुमने जो करना है कर लो, मेरी जैसी क्या कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत के काबिल कोई भी मोहब्बत नहीं करेगी, तुमसे कोई भी मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकती। यानी अब मलाइका को जैसे पता चला है तूबा को सब कुछ बारे में, यानी शान की सुतेली बहन को, जिसके बाद शान की सुतेली बहन यही कहेगी सज्जी से कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी यही सोच रहे हैं कि शायद अब तबरेज़ की और उसकी बहन की, जो शान की बहन की, उनकी तलाक हो जाए। लेकिन जिसके बाद तबरेज़ जो है वो एक नई चाल चलेगा और शान की सुतेली वालदा के साथ एक प्लानिंग करेगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो कुछ बैंक बैलेंस दौलत है आप मुझे बताएं, आप अपना हिस्सा लें, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, इस तरह हम शान से अपना हिस्सा निकलवा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद माया जब अपने वहाँ पर ऑफिस में होगी तो वहीं पर पीछे शान की सुतेली वालदा आएगी और माया से कुछ डिस्कस करेगी बात, और यही कहेगी कि माया ऐसा करते हैं कि तुम अपना हिस्सा लो, हम अपना हिस्सा लेंगे। ये बात सुन के माया एकदम हैरान हो जाएगी कि कोई माँ अपने बेटे से सब कुछ ऐसे कैसे कर सकती है, जिसके बाद माया साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई कभी भी नहीं कर सकती, और जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है, ऐसे मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसके बाद शान की सुतेली वालदा भाई टेंशन में आ जाएंगी, जिसके बाद शान की सुतेली वालदा कहेंगी कि मैं अपनी बेटी की तलाक कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि तलाक जो है वो माशरे में एक बदनुमा दाग है जो मैं अपनी बेटी के माथे पे कभी भी नहीं लगने दूंगी। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।